आज की बड़ी खबर क्या है वो भी आप तक पहुंचा देते हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। अहम खबर ये है कि ऑपोजिशन ने वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीके अदम इत्तमाद जमा करवा दी है। वजीर आजम के बाद पंजाब में भी तहरीके अदम इत्तमाद उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीके अदम इत्तमाद असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई गई है। ऑपोजिशन ने नंबर गेम पूरी होने पर तहरीके अदम इत्तमाद का फैसला किया। ऑपोजिशन के मेंबरान के तहरीके अदम इत्तमाद पर दस्तखत मौजूद हैं। अली अकबर से मजीद इस बारे में हमने तफसीला जाननी है। वजीर आजम के बाद पंजाब में भी तहरीके अदम इत्तमाद ऑपोजिशन ने वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीके अदम इत्तमाद जमा करा दी है। उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीके अदम इत्तमाद असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई गई है। और आपको ये भी बताएं कि ऑपोजिशन ने नंबर गेम पूरी होने पर तहरीके अदम इत्तमाद का फैसला किया। ऑपोजिशन के मेंबरान के तहरीके अदम इत्तमाद पर दस्तखत भी मौजूद हैं। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, वजीर आजम के बाद पंजाब में भी तहरीके अदम इत्तमाद ऑपोजिशन ने वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीके अदम इत्तमाद जमा करा दी है। उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम इत्तमाद असेंबली सेक्रेटेरिएट पर जमा कराई गई। और इस पर आपको ये भी बताते चले कि दस्तखत भी मौजूद हैं तहरीक अदम इत्तमाद पर ऑपोजिशन के मेंबरान के। अली अकबर ने हमें ज्वाइन किया है। जी अली, अपडेट कीजिएगा इस खबर पर। जी बिल्कुल, मरकज में ओपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम इत्तमाद जमा कराने के बाद अब पंजाब में भी वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जो कुर्सी है वो खतरे में पड़ चुकी है। ओपोजिशन की जानिब से पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट में तहरीक अदम इत्तमाद जमा करवा दी गई है। और इस पूरे सिनेरियो में देखा यह गया कि ओपोजिशन के पास, पहले ओपोजिशन वेट करती रही और जब ओपोजिशन ने यह देखा कि उसके पास अपनी नंबर गेम पूरी हो चुकी है तो उसके बाद ओपोजिशन की जानिब से पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट में तरीके अदम इत्तमाद जो है वो जमा करवा दी गई। और बताया जा रहा है कि तरीके अदम इत्तमाद के ड्राफ्ट पर ओपोजिशन के अरकान असेंबली के जो नंबर की तादाद है वो पूरी है। ओपोजिशन जो है अब पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट जो है वो तरीके अदम इत्तमाद जो जमा हुई है उसके ड्राफ्ट का जायजा ले रहा है और उसके बाद जो है उनको मुतालिक तौर पर डायरी नंबर लगाया जाएगा और डायरी नंबर लगाने के बाद जो है इसको जो है सबमिट कर लिया जाएगा। ओपोजिशन की जानिब से पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट में तरीके अदम इत्तमाद जमा करवा दी गई है। ओपोजिशन की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि उनके पास नंबर गेम पूरी है और नंबर गेम पूरी होने के बाद जो है वो तरीके अदम इत्तमाद जमा कराई गई है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पंजाब असम्बली के अंदर अगर देखा जाए तो तरीन ग्रुप जो है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग था। अच्छा अली, अब ये बताइएगा कुछ रूल्स और कवायद और जवाबित के हवाले से हमें भी और हमारे नाजरीन को भी आगाह कीजिएगा क्या है, और इसके साथ साथ अब पंजाब असेंबली का इजलास कब बुलाया जाएगा ये भी बताइएगा। ये अभी तो क्योंकि पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट में जो है वो ओपोजिशन की जानिब से तहरीके अदम इत्तमाद जमा करवाई गई है तो उसके बाद ये देखा जाएगा कि इसके। अच्छा जी, अब तहरीके अदम इत्तमाद तो जमा करा दी गई है, इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है ये हमें समझा दें। ये ओपोजिशन की जानिब से पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट में तरीके अदम इत्तमाद जमा करवा दी गई है और अब जो है वो बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट जो है वो की जानिब से जमा होने वाली तरीके अदब इत्तमाद का जो है वो उसका कानूनी जायजा ले रहा है और कानूनी जायजा लेने के बाद जो है वो उसको बकायदा तौर पर डायरी नंबर लग जाएगा और डायरी नंबर लगने के बाद ओपोजिशन की जानिब से जो ये तरीके अदम इत्तमाद जमा कराई गई है उस पर जो है उसको बकायदा तौर पर देखा जाएगा। अच्छा अली, ये कहिएगा तरीके अदम इत्तमाद जमा करा दी गई, इसकी मंजूर होना ना होना ये तो बाद का फैसला है, इसके लिए रूल्स क्या क्या तय किए जाते हैं? जी, तरीके अदम इत्तमाद जमा कराने के लिए जब बकायदा तौर पे ये देखा जाता है कि ओपोजिशन के पास नंबर गेम कितनी है और नंबर गेम पूरी होने के बाद जो है उस पर बकायदा तौर पे अरकान कौमी असेंबली की अरकान सूबाई असेंबली के जो है वो दस्तखत किए जाते हैं। ओपोजिशन की जानिब से अपनी नंबर गेम पूरी होने के बाद टू थर्ड मेजोरिटी शो करने के बाद जो है नंबर गेम पूरी होने के बाद जो है वो अपनी तरीके अदम इत्तमाद जमा कराई गई है। अगर हम पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट के लिए कोई मुद्दत भी इसकी वजह की जाती है कि इतनी मुद्दत इसका फैसला होना जरूरी है। जी, पार्लियामानी अमूर के मुताबिक जो है वो जैसे ही जो है अदम इत्तमाद जमा होती है उसके बाद जो है वो तकरीबन 7 से 14 रोज के अंदर उसका पंजाब असेंबली का इजलास बुलाना जो है उसका स्पीकर पे पाबंद है। स्पीकर इस चीज़ के पाबंद है कि पंजाब असेंबली का इजलास जो है वो 15 रोज के अंदर अंदर तलब किया जाए। इस हवाले से जो है बकायदा तौर पर आज क्योंकि ये असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा हुई है, असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा होने के बाद इस पर डायरी नंबर लगाया जाएगा और आज ही की डेट पर जो है आज से इसका पहला दिन शुरू हो जाएगा।
14 दिन के अंदर अंदर स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज लई पाबंद हैं इस चीज के कि वो पंजाब असेंबली का इजलास तलब करे, और इजलास तलब करने के बाद जो है इसको जो मोशन जमा की गई है ऑपोजिशन की उसको टेबल किया जाएगा। स्पीकर साहब इसके पाबंद है कि असेंबली इजलास मुकर्रर करे, 15 दिन का वक्त अली हमें बता रहे हैं, और अब आज से बाकायदा तौर पर ये दिन जो है शुरू भी हो गए हैं, 14 दिन रह गए हैं। अली रामे भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अली रामे अपडेट कीजिएगा। अली रामे से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे, आपको एक बार फिर अपडेट कर रहे हैं बड़ी खबर से। और बड़ी खबर हमारे पास है जी, ऑपोजिशन के बाद पंजाब में भी तहरीक अदम इतमाद। ऑपोजिशन ने वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम इतमाद जमा करा दी है। उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम इतमाद असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई गई है। नंबर गेम पूरी होने का दावा किया गया, दस्तखत भी मौजूद हैं जिस पर तहरीक अदम इतमाद जमा कराई गई है। और जैसा कि अली अकबर हमें अपडेट कर रहे हैं कि 15 दिन का वक्त होता है स्पीकर पाबंद होता है असेंबली इजलास बुलाने का, और आज से क्योंकि तहरीक अदम इतमाद जमा कराई गई है तो आगाज़ बाकायदा तौर पर हो चुका है। 14 दिन बाकी रह गए हैं,